महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे अनिल देशमुख। दिल्ली में शरद पवार के घर महाअघाड़ी नेताओं की बैठक में फैसला। जयंत पाटिल ने कहा अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं, जो भी दोषी होगा उस पर होगी कार्रवाई। एटीएस और एनआईए कर रही जांच। पवार ने 16 साल बाद पुलिस अफसर सचिन वाजे की बहाली में परमवीर सिंह का बताया हाथ, कहा सीएम या गृह मंत्री का इसमें कोई रोल नहीं। परमवीर के आरोपों पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आधा सच बोल रहे हैं शरद पवार। मुंबई में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ की नारेबाजी। पुणे में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, अनिल देशमुख का मांगा इस्तीफा। परमवीर के आरोप पर बोले संजय राउत, राजनीति में लगते रहते हैं आरोप, चिट्ठी की होनी चाहिए जांच। नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, परमवीर सिंह के खिलाफ आवाज की बुलंद। महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप का पोस्ट, लिखा मनसुख मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। मनसुख केस में तीन आरोपी गिरफ्तार, क्रिकेट बुकी और पूर्व कांस्टेबल पकड़े गए। ठाणे कोर्ट ने आरोपियों को 30 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, अमित शाह ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का किया वादा। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बंगाल की लड़कियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त का ऐलान, शाह ने संकल्प पत्र पढ़ते हुए किया वादा। बीजेपी ने चला ओबीसी कार्ड, महेश तीली और दूसरे समुदाय को ओबीसी मिलाने का किया वादा। मथुआ समुदाय के लिए भी बीजेपी ने खोला पिटारा, 3000 हर महीने देने का लिया संकल्प। बीजेपी के संकल्प पत्र में सीएए लागू करने का वादा, अमित शाह ने कहा पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू होगा सीएए। किसानों मछुआरों के लिए भी बीजेपी ने खोला पिटारा, शाह बोले 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपए 3 साल में नहीं मिले वो सीधे खाते में जाएंगे। टीएमसी ने बीजेपी के घोषणा पत्र के ऐलान को लेकर उठाया सवाल, कहा बंगाल के मैनिफेस्टो को बंगाल के रहने वाले ने जारी नहीं किया। टीएमसी ने बीजेपी को बंगाल विरोधी बताया, स्वागत रॉय बोले उनका संकल्प पत्र विश्वास करने वाला नहीं। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने भी उठाया सवाल, बोले एक पार्टी के पास 294 उम्मीदवार तक नहीं। अमित शाह ने पूर्वी मिदनापुर के एगरा में की रैली, मंच पर नजर आए शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी, बीजेपी का न्योता किया मंजूर। अधिकारी परिवार के गढ़ में गर्जी ममता बैनर्जी, काथी की रैली में कहा बहुत सम्मान करती थी लेकिन ये निकले गद्दार। ममता के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, पीएम और बीजेपी नेताओं के लिए दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर जैसे शब्दों पर शिकायत। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पर हमला, टीएमसी के 8 से 10 कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। झाड़ग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की सड़क किनारे लाश मिली, पार्टी ने बीजेपी पर लगाया हत्या का आरोप। बंगाल चुनाव को लेकर उमा भारती का दावा, सिर्फ 30 से 35 सीटों पर ही जीतेगी टीएमसी। पांडेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए जितेंद्र तिवारी ने शुरू किया चुनावी अभियान, राम जानकी मंदिर में पूजा के साथ आगाज। बारानगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री पार्नो मित्रा समर्थकों के बीच पहुंची, जय श्री राम के लगे नारे। बंगाल के डुमडूर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार ने गंगा जल का छिड़काव कर किया सड़क का शुद्धिकरण, गुरुवार को यहां बीजेपी के राजीव बैनर्जी ने निकाला था जुलूस। हावड़ा के बानकरा में बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी के चुनाव प्रचार के बाद बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का दावा, ममता के कहने पर पंचायत चुनाव में उन्होंने लूटे वोट, उस पाप से मुक्ति के लिए बीजेपी में हुआ शामिल। असम चुनाव के लिए कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र, उससे पहले आज 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह आज 5वीं बार असम दौरे पर, 3 चुनावी रैलियों को संबोधित। बरेली में यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर साधा निशाना, कहा इनके पास कहने को कुछ भी नहीं। जेडीयू में आरएलएसपी के विलय के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का दावा, पार्टी को बिहार में बनाएंगे नंबर 1।
आज फिर केरल दौरे पर राहुल गांधी, कई जगहों पर चुनावी कार्यक्रम में होंगे शामिल। फरीदाबाद में होली मिलन समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उतरे किसान, पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। मुंगा में किसान महापंचायत में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले कृषि कानून को लेकर केंद्र और कैप्टन सरकार पर बोला हमला। पटियाला में किसान नेता बलबीर सिंह ने केजरीवाल का नाम लिए बिना बोला हमला, कहा कोई पार्टी किसानों की हितैषी नहीं। सीतामढ़ी में बंद पड़े चीनी मिल को चालू कराने के लिए पप्पू यादव का प्रदर्शन, कहा इसे चालू होने तक जारी रहेगा आंदोलन। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बार फिर से विवादित बयान आया सामने, कहा कम बच्चे पैदा करना किसकी गलती, जिन्हें ज्यादा बच्चे उन्हें ज्यादा मिली मदद। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना, अब इसमें जलन काई का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए। तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के मामलों का हवाला देते हुए कहा 200 साल तक अमेरिका का गुलाम रहने वाले भारत की स्थिति उससे बेहतर। मुख्यमंत्री के इतिहास ज्ञान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया तंज, कहा सीएम के लिए दोनों गोरे एक समान है, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका। देहरादून के मंदिरों में हिंदू युवा वाहिनी ने लगाए पोस्टर, गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में कोरोना की लगातार बड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग बीमार। बीते 8 दिनों में महाराष्ट्र में करीब 1,82,000 लोग संक्रमित, 588 लोगों की मौत। मुंबई में भी कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3,779 नए केस दर्ज, 10 की गई जान। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े ने बढ़ाई चिंता, इस साल पहली बार संक्रमण दर 1% से पार, लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 800 से ज्यादा केस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 20 मार्च को एम्स में हुए थे भर्ती। आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता ने राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी, कोरोना खतरे को देखते हुए संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने की बात। राजकोट से बीजेपी विधायक गोविंद पटेल का विवादित बयान, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं होता कोरोना, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी। मध्य प्रदेश में 23 मार्च को कोरोना के खिलाफ नई मुहिम, 2 मिनट का सायरन बजाने के बाद कोरोना गाइडलाइंस पालन करने का लेना होगा संकल्प। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया नई मुहिम का ऐलान, इसके तहत मंगलवार को सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए बजेगा सायरन। राजस्थान में बाहर से आने वालों का टेस्ट जरूरी, नहीं तो 15 दिन रहना होगा क्वारंटीन, आज शहरों में नाइट कर्फ्यू। गुजरात में कोरोना के 1580 नए मामले, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बोले फिलहाल लॉकडाउन का सवाल नहीं। मध्य प्रदेश में रायसेन में उमा भारती की मौजूदगी में कोविड नियमों का उड़ा माखौल, धारा 144 के बाद भी दिखी लापरवाही। नोएडा में पुलिस ने चलाया कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान, धारा 144 के चलते धरना, चक्का जाम नहीं करने की अपील। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने जताई चिंता, बोले राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत। हालात बिगड़ने के साथ ही कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पर सख्ती, आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग। तरन तारण में पुलिस और 2 निहंगों में झड़प, तलवार से हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी, जवाबी फायरिंग में दोनों निहंगों की मौत। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र से एक ग्रंथी की हत्या करते तरन तारण पहुंचे थे आरोपी निहंग, पकड़ने के दौरान एनकाउंटर। चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, शराब की सरकारी दुकान को प्रशासन ने किया सील, लाइसेंस भी जब्त किया। जहरीली शराब से मौत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम सीओ जिला आबकारी अधिकारी समेत कई अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। बरेली में सूटखोरों की वजह से एक शख्स ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा अब मेरा जीना बेकार है। आजमगढ़ में आबकारी विभाग के सिपाही ने भीड़ के सामने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में 2 जगहों पर अपराधियों का तांडव, एक वारदात में युवक की हत्या, दूसरे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गुना में चोरी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तभी आरोपी की गई जान, महिलाओं ने किया हमला। चेन्नई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का बड़ा खुलासा, 2,53,00,000 का करीब 5.5 किलो सोना जब्त, 6 की गिरफ्तारी। यूपी के बलिया में बिहार बॉर्डर पर कार्बाइन और कई कारतूस बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार।
अयोध्या में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में शराब बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में अपहरण केस में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचे और बाइक भी बरामद। गुमला में एक शख्स ने अपनी बेटी को बेड़ियों में जकड़ा, 2 महीने बाद पुलिस ने उसे छुड़ाया। कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान में फंसे ट्रक को बर्फ के ढेर से निकालने की कोशिश, करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद बची ड्राइवर की जान। रविवार को शाम करीब 4 बजे आया बर्फीला तूफान, ट्रक के फंसने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे बीआरओ ने चलाया ऑपरेशन। दिल्ली में अंधविश्वास के चक्कर में 2.5 साल के मासूम की हत्या, परिजनों का आरोप, संतान प्राप्ति के लिए पड़ोस की महिला ने दी बलि। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में बीवीपी छात्रों का प्रदर्शन, फैकल्टी के कई सदस्यों पर नए छात्रों को जेआरएफ के माध्यम से एडमिशन देने पर लगाया आरोप। पटना में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पर एसिड अटैक, मॉर्निंग वॉक के दौरान वारदात। सिरसा में विधायक गोपाल कांडा के खिलाफ लगे नारे, डफली बजाकर किसानों ने जताया विरोध। राउरकेला पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सेल के अस्पताल का किया उद्घाटन। गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हत्या, कातिलों का अब तक सुराग नहीं। गोरखपुर में दारोगा ने वेटर से की बदसलूकी की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के मुंगेर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 6 माली गिरफ्तार, कई हथियार जब्त। सीकर में शादी समारोह में खाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में हाथापाई, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। एमपी के छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या में 6 में से 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों को पकड़ने में के लिए दबिश। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पकड़ा गया बदमाश, एक ही दिन में 2 वारदात को दिया था अंजाम। शामली में शादी समारोह में फायरिंग, युवक की गोली लगने से मौत। बठिंडा में पेंशन को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर पंजाब सरकार का जलाया पुतला। झज्जर में महापंचायत में फैसला, हरियाणा सरकार को गिराने के लिए होगा आमरण अनशन, 5 राज्यों के किसान हुए शामिल। बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग, लगातार जंगल हो रहे खाक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राष्ट्रीय एक्रोबैट पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आगाज, 9 राज्यों के पैराग्लाइडर ले रहे हिस्सा। भोपाल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट से निकला 16 किलो का ट्यूमर, डॉक्टर्स ने किया सफल ऑपरेशन। गाजीपुर दौरे पर प्रदर्शनकारी किसानों ने शुरू की होली, पारंपरिक अंदाज में झूमे किसान। नेपाल के जनकपुर धाम में होली का भव्य आयोजन, आस्था के पर्व में उमड़ी भारी भीड़। मथुरा में विधवाओं की जबरदस्त होली, करीब 1.5 महीने तक चलता है उत्सव। ब्रिस्टल में पुलिस को और शक्ति देने संबंधी बिल के विरोध में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने फूंकी पुलिस की गाड़ी। सीरत के अलेप्पो में रूसी लड़ाकू विमानों ने विद्रोहियों के ट्रेनिंग कैंप पर दागे मिसाइल, कम से कम 7 की मौत। मिसाइल हमले के बाद से मची अफरा तफरी, बड़े पैमाने पर तबाही। सिटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन। भारी बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान, नदी में उफान से बांधों पर संकट, छोड़ा गया पानी।